दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही चैनल द डीएमओ विलेज पर। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है। इस वीडियो में हम आपको देंगे बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ही मज़ेदार जानकारी जो हर आदमी के लिए एक अधिकार है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2019 के इस समय इलेक्शन हो रहे हैं, वोट हो रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे भारत का कौन सा व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है और हम जो वोट डालते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें आज़ादी देता है, कौन सा अनुच्छेद हमें अधिकार देता है कि हम वोट डालें। पूरी जानकारी देंगे चुनाव से संबंधित, वोट डालने से संबंधित। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आपने वोट डाल दिया है या आप वोट डालने वाले हैं, क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में वोट डल भी चुके हैं, कुछ में वोट आज डाले भी जा रहे हैं, कुछ में कल को भी वोट डाले जाएंगे, कहीं कहीं मतदान हो भी चुका है। तो आपने मतदान किया है या नहीं किया है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको मतदान का अधिकार है, हम आज की वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को पूरे देखें एंड तक। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी सरकारी नौकरी की जानकारी, सरकारी योजना की जानकारी और नई से नई जानकारी। वोट डालने का अधिकार हमारा अधिकार है, हम पूरी जानकारी देंगे, वीडियो पूरा देखें एंड तक। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाई देता होगा, भारत में मतदान का अधिकार, भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम वोट डालें, हम मतदान करें। पूरी जानकारी देंगे कौन व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में देश हमारा भारत है, आम नागरिकों के पास सबसे बड़ा अधिकार मतदान है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अधिकार जो है वो मतदान का अधिकार है। भारत के हर नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है या 18 साल है, उसे अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। यह अधिकार हर मतदाता को भारत का संविधान देता है। उसे हर 5 साल में अपने देश प्रदेश के 7 नगर निकाय व पंचायत के प्रतिनिधि को चुनने का हक मिलता है। जी हाँ, हमें वोट डालने का अधिकार है। कहने को तो मतदान को अधिकार कहा जाता है, लेकिन ये हर उस नागरिक का मौलिक कर्तव्य भी है जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है। हालांकि आज़ादी के 70 साल बाद भी ना तो हमने मतदान को अधिकार समझा है और ना ही कर्तव्य। आज भी देश में जहां 60% मतदान हो जाता है तो चुनाव आयोग इसे बड़ी उपलब्धि बताकर जश्न मनाता है। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे बहुत कम मतदान होता है क्योंकि लोगों को दिलचस्पी उन राज्यों में नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको अपना अधिकार है, मतदान देने का अधिकार है। तो आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके निर्वाचक क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में, जहां भी आज या कल या हो चुका है मतदान और होने वाला है, तो आप अपने वोट का प्रयोग जरूर करें। आप अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट दें क्योंकि वोट देने का हमें अधिकार है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भारत के कुछ ऐसे भी नागरिक हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं है, उनको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें एंड तक। भारत का संविधान हर उस नागरिक को मतदान का अधिकार देता है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। हालांकि सिर्फ 18 साल का हो जाने भर से आप वोट डालने के हकदार नहीं हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा और वोटर आईडी कार्ड भी बनवाना होगा। दोनों में एक चीज़ अगर नहीं होगी तो लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार, सबसे बड़े पर्व का आप हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसके लिए अब भी आपके पास वक्त है, अगले चुनाव से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा कर वोटर आईडी कार्ड बनवा लें तो ही आपको मिलेगा वोट डालने को। एक ही जगह कर सकते हैं मतदान। जी हाँ, भारत के सभी नागरिक एक ही जगह मतदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताएंगे, वीडियो को पूरा देखें एंड तक। हर व्यक्ति को एक चुनाव में एक ही बार वोट डालने का अधिकार मिलता है। लोग कहीं भी वोट नहीं डाल सकते हैं, उसको अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित बूथ पर ही वोट डालना होता है। चुनाव आयोग हर मतदाता को खास निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होने का अधिकार देता है। व्यक्ति एक ही निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत हो सकता है। वह अपने स्थायी या अस्थायी निवास में से किसी एक ही जगह वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। मतदाता को यह भी अधिकार है कि वह अपने चुनाव क्षेत्र को भी बदल सकते हैं।
वे जिस भी राज्य में स्थायी अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं वहाँ अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। नाम जुड़ने के पहले ही उनको अपना नाम पुरानी वोटर लिस्ट से कटवाना होगा। रोका भी जा सकता है, जी हाँ रोका भी जा सकता है। ऐसा नहीं है 18 साल से अधिक उम्र का हर नागरिक मतदान कर ही पाए, वोटर को रोका भी जा सकता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जेल में बंद होने या सजा होने पर भी लोग वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के चुनाव क्षेत्र में आने से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने की आशंका हो तो भी जिला प्रशासन ऐसे व्यक्ति को वोट डालने से रोका जा सकता है। इन लोगों को रोका जा सकता है वोट डालने से। कौन कौन से लोगों को रोका जा सकता है बताएंगे, वीडियो को पूरा देखें एंड तक। ऐसे लोग जिनके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 के तहत रिश्वतखोरी के आरोप सिद्ध हो चुके हैं उन्हें वोट डालने से रोका जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एफ के तहत उस व्यक्ति को रोका जा सकता है जिसके मतदान में भाग लेने से अनुचित प्रभाव पड़े। 171 एफ के तहत दोषी ठहराए गए लोग भी मतदान से वंचित किए गए हैं। धारा 125 पीपुल्स एक्ट की धारा 135 और 136 के तहत दोषी ठहराए गए लोग भी मतदान नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति का दो निर्वाचन क्षेत्र में नाम है तो उसको भी अयोग्य माना जाएगा। तो दोस्तों, आपने वोट डाल दिया है या नहीं डाला है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर आदमी को अधिकार है वोट डालने का, तो आप वोट जरूर डालिए 2019 के लोकसभा चुनाव में। क्या आपने वोट डाल दिया है या नहीं डाला है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपके निर्वाचक क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतने की उम्मीद है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके राज्य में कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी जीतने का उम्मीद है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी सरकारी नौकरी की जानकारी, सरकारी योजना की जानकारी और नई से नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल का आइकन जरूर दबा दें ताकि आप देख सकें आने वाली कल की वीडियो। दोस्तों, आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।